हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों, बिहार अमीन का जो भर्ती का जो वैकेंसी आई थी, जिसमें टोटल लगभग 1800 पोस्ट था, उसका जो एग्ज़ाम 15-16 फरवरी को होने वाली थी, फाइनली उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इसी की रिगार्डिंग आपको ऑफिशियल स्टेप बाय स्टेप बताने आ चुका हूँ, और आपको ये बताऊँगा कि नेक्स्ट डेट क्या है, अब कब एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये सारी बातों का आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आप सभी ने फॉर्म को फिल किया होगा। दोस्तों देखते हैं, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद है दोस्तों, उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि BSECE का। हो सके तो इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जहां से दोस्तों देखते हैं, ये रहा अमीन परीक्षा का ऑनलाइन पोर्टल। दोस्तों ये देख सकते हैं, विज्ञापन एवं अमीन परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक। दोस्तों यहां पर सभी महत्वपूर्ण लिंक दिया गया, आप देखते हैं इस लिंक को क्लिक करें, अपने फॉर्म को फिल किया होगा, जहां पे उसका भी लिंक हटाया नहीं गया। देखते हैं यहां पर अभी रेड कलर का आपको एक लिंक होते जा दिख रहा होगा, ये रहा रेड कलर का, आप इसे पढ़िए। यहां बताया जा रहा है कि अमीन परीक्षा CBT की निर्धारित तिथि अपरिहार्य कारण से स्थगित कर दी गई है। अमीन परीक्षा CBT के लिए फिर से निर्धारित तिथि जल्द ही घोषित किया जाएगा। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर फाइनल तो ये ऑफिशियल तो जो अपडेट कर दिया गया वेबसाइट में, जहाँ पे 7 तारीख से बता दिया गया कि जो अमीन का CBT का एग्जाम होने वाली थी, वो एग्जाम को फाइनली आपको किसी कारण उसे स्थगित कर दी गई है, उसे पोस्टपोन कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि आगे जो एग्जाम का डेट आएगी, मैं आपको इसी वेबसाइट में अप टू डेट कर दूंगा। दोस्तों देखते हैं, इसी वेबसाइट में आपका जो नया डेट आएगा अपडेट कर दी जाएगा, यहीं पे अपडेट किया जाएगा। दोस्तों जैसे ही जो नया डेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, अभी तत्काल तो नया डेट लाया नहीं गया, सिर्फ ये बता दिया गया है कि 15-16 फरवरी को जो एग्जाम होने वाली थी वो एग्जाम पोस्टपोन हो गई, फाइनली रद्द हो चुकी है। अब वो एग्जाम को किसी और दिन नया डेट दिया जाएगा, फिर आपको लिया जाएगा। बस दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या इस वीडियो से किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मारो और अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और हाँ दोस्तों, इस तरह का न्यूज़ प्राप्त करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पर फिर जाते फॉर्म के बारे में बताने आऊँगा, इसी तरह का अपडेट देना होगा। दोस्तों के लिए अपना ख्याल रखना।